नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने बीती शाम मंदाकिनी गार्डन के पास आईपीएल का ऑनलाइन सट्टा खिलाते दो सटोरियों को पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से 5,300 नगद, एक मोबाइल और 6,00,000 से अधिक का हिसाब किताब बरामद किया गया है। बताया गया है कि मंदाकिनी गार्डन के पास पुलिस की छापामार कार्रवाई में सड़क किनारे रोहित कुशवाहा और अमर कुशवाहा मोबाइल पर ऑनलाइन सट्टा खिलाते मिले थे। पुलिस टीम को देखकर उन्होंने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें दबोच लिया। आरोपियों द्वारा कोलकाता नाइट राइड्स और सनराइज हैदराबाद के बीच ऑनलाइन सट्टा खिलाया जा रहा था। पकड़े गए दोनों सटोरियों के खिलाफ मुरार थाने में पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल मुरार थाना क्षेत्र में एक आईपीएल का सट्टा क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हमने पकड़ा था, जिसमें दो आदमियों को हमने मौके से पकड़ा था। उनके पास से दो मोबाइल, लगभग 5,300 रुपये का कैश और 60,00,000 रुपये का आसपास का उनको हिसाब उनसे लिखा पढ़ी में हमें उनसे मिला है। कब से काम कर रहे थे, किस जगह पकड़ा? ये मंदाकिनी गार्डन के पास में है। काम तो ये काफ़ी समय से कर रहे हैं। अलग अलग अभी आईपीएल का सीज़न चल रहा है तो आईपीएल का सट्टा लगाते हैं, बाकी और भी जितने भी काउंटी क्रिकेट चलते हैं उसमें भी ये लोग इस तरीके का सट्टा लेते हैं। ये ऑनलाइन सट्टा लेते हैं, ऐप के थ्रू सट्टा लेते हैं, जो 90 हब करके जो ऐप है उसके थ्रू ये सट्टा लेते हैं।